और शायद ये व्लॉग देखकर आप भी जल्दी इनको विजिट करें एंड इट्स गोना रिफ्लेक्ट ऑन योर पर्सनालिटी एज़ वेल। मम्मी के बिना कैसा लग रहा तेरे को आज? थैंक यू सो मच चांदनी, बहुत अच्छी कॉफी बना रहे हो यार आप। थैंक यू मैम। वैसे प्रीति के लिए नहीं, मुझे भी इतना अच्छा ही लगता है जब गंदा पड़ा होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन यार। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो मेरे पीछे अभी आपने देखा होगा ऑटो रिक्शा, तो समझ ही गए हैं इंडिया के ब्लॉग्स चल रहे हैं। जो लोग मुझे अभी से फॉलो कर रहे हैं या फिर आज फर्स्ट टाइम मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, वैसे मैं यूके में रहती हूँ लेकिन अभी आजकल मैं इंडिया आई हुई हूँ अपने ब्रदर की वेडिंग पे। तो आज मैं बड़ी खास जगह पर जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ हाउस ऑफ रूज। तो यहाँ मैं जा रही हूँ अपने हेयर कलर के लिए, तो आज हेयर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि मैं खुद भी हेयर ड्रेसिंग का कोर्स कर रही हूँ यूके में। और आई नो कि व्हेन इट कम्स टू हेयर हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आपके पास आराम से टाइम होना चाहिए जब भी आप अपने हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाएं या हेयर कलर के लिए जाएं या हेयर कट के लिए जाएं। जो सैलून है, मैं काफ़ी टाइम से सैलून को विजिट करना चाहती थी। जब मैं लास्ट ईयर भी आई थी तब भी इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट करा था, मैंने भी इन्हें कॉन्टैक्ट करा था। और आप इनका, ये इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, इनका पेज जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। तो बहुत ही कमाल का काम करते हैं ये लोग और बड़े अच्छे हेयर ड्रेसर्स हैं इनके पास, हेयर स्टाइलिस्ट हैं। तो आज मैं वहाँ खुद जा रही हूँ और यू नो खुद से देखूंगी, खुद के बालों का हेयर कलर कराऊंगी और आप लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगी। और शायद ये व्लॉग देखकर आप भी जल्दी इनको विजिट करें। तो पहले हम जाते हैं, आपको साथ लेकर चलते हैं और देखते हैं कैसे चलती है चीज़ें। ठीक है जी, मेरे साथ है मम्मी, तभी मैंने कहा पहले हम जाते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे आप अपने आप को हम बोलते हो। जी नहीं, नमस्ते जी, नमस्ते जी, सबको नमस्ते। और सब आप सब कैसे हैं? कितना प्यार दे रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आप भी ऐसे हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए प्रीति क्या कर रही है। मम्मी को आज मैंने बहुत सुबह सुबह तैयार करा दिया था, मैंने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे जाना है हमने, तो बस अभी हम टैक्सी में बैठे हुए हैं और हमारे जो टैक्सी वाले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मैंने उनको बोला है, कह रहे हैं एक घंटा 12 मिनट दिखा रहा है। मैंने कहा ये जो 12-15 मिनट का है ना गैप, जल्दी से कवर करो बस जैसे तैसे। तो कोशिश कर रहे हैं वो हमें यू नो उस रास्ते से लेकर जाएं जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। तो वैसे तो स्कूल रश तो जा चुका है और ऑफिस रश भी थोड़ा कम हो चुका है, सो होपफुली हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। और ये जो सैलून है ये पश्चिम विहार में है। आई होप कि जो मैंने इंस्टाग्राम आईडी दिया है उसमें इनका पूरा एड्रेस है। बाकी वहाँ पहुंचते हैं, अपर्णा से मिलते हैं और बढ़ाते हैं इस ब्लॉग को आगे। तो बस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी टैक्सी में कि आज मैं अपने हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, आई वोंट से हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, आई वुड से मैं अपने हेयर कलर के लिए आई हूँ। तो आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द पर्सन जिनसे मैं कनेक्ट हुई इंस्टाग्राम के थ्रू। सो अपर्णा इज द ओनर ऑफ दिस सैलून, तो मैं आपको अपर्णा से मिलाती हूँ। इससे पहले हम आगे बढ़े, सो हियर इज अपर्णा। हाय एवरीवन, so good to have you finally. We've been connected since 1.5 years now and she's finally in India and now we are having her at House of Rouge Salon in Pashchim Bihar. राइट। सो अपर्णा, या लाइक अपर्णा सेड, तो हम लोग यू नो इंस्टाग्राम पे वी वर टॉकिंग टू ईच अदर, यू केम टू लंदन आल्सो एंड वी वांटेड टू कोलैब, यू नो माय लाइक सेकंड होम, या आई वाज स्टडिंग देयर, या यू वर स्टडिंग देयर, या सो हम लोग काफी हमने बातें करी हैं लंदन के बारे में। सो शी वाज स्टडिंग ओवर देयर, तो इनको शायद मेरे से ज्यादा ही लंदन मालूम था मुझे ऐसा लग रहा है। तो आज हम क्या करेंगे मेरे बालों पे? सो वी विल बी गोइंग फॉर एन अमेजिंग हेयर कलर थिंग एंड देयर विल नॉट गोना बी अ प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज़ वी विल बी वेरी playing safe with her hair color and but there's gonna be an amazing change and it's gonna reflect on her personality as well. वो ऑलरेडी इतनी प्रिटी है, she's gonna look even more prettier now. नहीं थैंक यू सो मच मदान, बट नहीं मुझे लगता है हेयर कलर के बाद थोड़ा और भी अच्छा लगेगा और सटल लुक लेंगे हम। वी नॉट गोना बी लाइक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, वी गोना बी मोर ऑन अ सटल लुक अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी एंड द प्लेस यू आर लिविंग। ही डिस्कस्ड अबाउट द कलर्स, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो हमने कलर्स डिस्कस कर लिए हैं। तो जैक आप कर रहे हो मेरे हेयर कलर, है ना? यस। तो चलते हैं आप और शुरू करते हैं। और इनका सैलून बहुत ही प्यारा है, बहुत ही स्पेशियस है और मैं आपको फटाफट से एक बार सैलून दिखा देती हूँ और आगे बढ़ते हैं।
तो मेरे बालों पे जो बेस कलर है वो कुछ ऐसा होने वाला है और उसके ऊपर ये दो कलर मिक्स करके करेंगे हाइलाइट्स. तो लेट्स सी कैसा होता है. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो बस अभी मेरा हेड वॉश हो चुका है तो अब कलर लगने जा रहा है. तो मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ कि मेरे बाल अभी कैसे लग रहे हैं और फिर देखते हैं कलर के बाद कैसे लगेंगे. तो मेरे बालों पे हेयर कलर लगना शुरू हो चुका है. तो आप मेरा बेस हेयर भी चेंज करोगे ना. यस मैम. है ना, फेस भी चेंज होगा और अभी हाइलाइट्स बन रहे हैं. ठीक है, इसके बाद भी हाइलाइट्स के बाद आपका ग्लोबल कलर लगना स्टार्ट होगा. ठीक है, तो हाइलाइट्स के बाद वो ग्लोबल कलर लगना शुरू होगा और फिर देखते हैं. मैं तो बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, देखने में कैसी दिखूँगी. ठीक है. इनका नाम जैक है, ये यहीं पे काम करते हैं. तो आई एम श्योर ये बहुत अच्छा काम करेंगे. तो अगर नेक्स्ट टाइम आप आओ ना हेयर कलर इनसे करवा सकते हो, है ना. तो बस में आई क्या आया था, शॉपिंग करना पड़ी थी. शॉपिंग रह गई थी अभी, प्रीति की चीज़ें चाहिए थी, फिर घर के लिए चाहिए होती हैं बैग वैग्स कर लिया. अब अबीर को लेने जा रहा हूँ. तो मैं और अबीर आ गए हैं शॉपिंग मॉल. मम्मी के बिना कैसा लग रहा था आज. फन. शर्म काले थोड़ी दो. अच्छा, तो भाई इसका ड्रामा क्लास ख़त्म हो गई है और उसके बाद हम आए हैं थोड़ा सा शॉपिंग करनी थी, चीज़ें ख़त्म करनी थी, वो करने आए हैं. जे डी स्पोर्ट्स का ऑर्डर नहीं आया अबीर. तो हेयर कलर लग चुका है मेरे बालों पे और ऐसा लग रहा है मैं नासा से आई हूँ. ठीक है, फॉइल्स ही फॉइल्स है मेरे सर पे. तो अभी इसको थोड़ी देर रखेंगे कलर को और फिर वो वॉश करेंगे, फिर होपफुली हम आपको दिखाएंगे. मुझे पता है आप सब लोग भी बहुत एक्साइटेड हो गए, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कैसा हेयर कलर होता है. तो यहाँ पर एक कप और कॉफ़ी आ चुकी है. भैया बहुत अच्छी तरह से कलर कर रहे हैं. वो कह रहे हैं जब तक मुझे लगेगा नहीं कि कलर अच्छी तरह आ गए तब तक वो मेरा हेड वॉश नहीं कराएंगे. और यहाँ पर जो कॉफ़ी बना रहे हैं उनसे मैं आपको मिलवाती हूँ, बहुत अच्छी कॉफ़ी बना रही है वो. तो मैं आपको अपना लुक तो दिखाऊंगी नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी थोड़ी देर में चंद्रमा पे जाना है. मुझे ऐसे नासा के लिए रेडी कर दिया इन्होंने. हाउएवर थैंक यू सो मच चांदनी, बहुत अच्छी कॉफ़ी बना रहे हो यार आप. थैंक यू मैम, सच में बहुत अच्छी कॉफ़ी है. थैंक यू. सो फाइनली मेरा हेयर कलर हो चुका है एंड आई रियली लाइक इट. मुझे ऐसा ही हेयर कलर चाहिए था, जितनी भी हाइलाइट्स हों वो बहुत अच्छी तरह से मर्ज हो जाए मेरे बालों में. सो मुझे ऐसी मर्ज हुई हुई हाइलाइट्स चाहिए थी. आई रियली डिडंट वांट टू हैव दैट प्रोमिनेंट लुक कि वो एक एक हाइलाइट नज़र आ रही है, नहीं मुझे वैसा नहीं चाहिए था. तो इट लुक्स वेरी नेचुरल, तो बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच जैक, थैंक यू. माई गॉड सच अ टैलेंटेड गाय ही इज. तो अगर आप कभी भी हाउस ऑफ रूज आते हो तो आई थिंक मैं तो जैक को रिकमेंड करूँगी बिकॉज जैक हैज़ डन अमेजिंग जॉब ऑन माई हेयर. सो थैंक यू यार, थैंक यू सो मच. सीरियसली बहुत हार्ड वर्किंग हो तुम, सीरियसली बहुत देर से लगे हुए हैं. वर्थ इट था, यू नो, वो इतने सारे घंटे देना बहुत वर्थ इट था. अगर आपको ऐसे हेयर कलर चाहिए ना तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, टाइम बाय करके आना. ठीक है, ये नहीं कि वो एक या दो घंटे में हो जाएगा, नहीं. कितने घंटे लगे हैं हमें? तो हमें 6 घंटे लगे हैं. मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो बैठी हुई थी आराम से, बट जैक वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग. और मैं इनको बोल भी रही थी बीच में कि आप थक तो नहीं गए हो, बट नहीं, ही हैज डन अ अमेजिंग जॉब एंड आई लव इट. आपने देख ही लिया. तो रात के बज गए 2, मेरी लगी थी नींद अबीर के साथ ही, इसको सुलाने गया मैं खुद ही सो गया. तो बस उसके बाद उठा हूँ, किचन ख़त्म करनी थी सारी और आज स्पेशल काम है, चिमनी साफ होने वाली है. तो ये चिमनी जो आप देख रहे हो यहाँ पे और ये सारे जो कैबिनेट्स ऊपर हैं इनके ऊपर से सारा साफ होगा आज. तो ये काम मेरा पड़ा था काफ़ी टाइम से, मैंने कहा आज कर लेता हूँ क्योंकि कल पे संडे है और 2-3 दिन बाद हमें निकलना है. मेरा पूरा टाइम काम है मंडे टू
वेडनेसडे मेरा काम है, मेरी सारी विजिट्स प्लान है एंड उसके बाद बस मुझे फिर निकल जाना है सुबह सुबह अभी के साथ। तो थोड़ा हेक्टिक रहेगा इसलिए मैं, वीकेंड ही है मेरे पास, तो इधर उठता हूँ, इन सबको साफ करता हूँ। घर भर तो सारा हो गया है लेकिन चिमनी इज अ बिग वर्क, तो जल्दी से ख़त्म करके रख लेते हैं कि बाद में टेंशन ना हो। बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा था प्रीति के टाइम से, कि प्रीति ने मुझे कहा यार ये तेरा काम है, लेकिन मैं कभी नहीं कर पाता, तो मैंने कहा चलो यार इट विल नॉट लुक गुड, शी विल कम बैक और ये फिर गंदा मिलेगा, तो ख़त्म कर लेते हैं एज अ गुड हस्बैंड। चलो करते हैं। वैसे प्रीति के लिए नहीं, मुझे भी ना अच्छा ही लगता है जब गंदा पड़ा होता है, तो जल्दी से ख़त्म करता हूँ एंड फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। वैसे आप लोगों को लग रहा होगा ये साफ़ ही है, लेकिन ये साफ़ है नहीं, लेकिन ना इसके ऊपर सारा गंदा है यहाँ पे सारा, तो ये साफ़ करूँगा मैं, और अच्छा साफ़ है, जल्दी साफ़ हो जाएगा। अब टाइम आ गया है इन कैबिनेट्स के ऊपर साफ़ करने का। आपको लगता होगा यार हमारे घरों में कैबिनेट्स के ऊपर साफ रहता है, ऐसा होता नहीं है। देखो कितना गंदा है, अभी होंगे साफ तो रात के बजने वाले हैं 4:15, मैं कोई 1 घंटे से भी ऊपर हो गया इसको साफ़ करते हुए, काफ़ी टाइम लगा एक्चुअली, क्योंकि सब कुछ करा है मैंने, ये सारा अंदर से भी निकाला है, सारा डिश वॉशर में भी लगाया है इसके ऊपर, तो अगर आप इसकी जाली निकालना चाहो तो आप डिशवॉशर के ऊपर वाले इस जगह पे लगा सकते हो, आप देख सकते हो सब चमक गया है। तो आपने देखा ही था पैटली कैसे दिख रहा था और आप कैसे दिख रहा है, क्वाइट नाइस। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं अब, थैंक यू सो मच अपर्णा, बाय गाइस, रियली नाइस मीटिंग यू, बहुत मजा आया, और लवली हैविंग यू एंड प्लीज कीप कमिंग। थैंक यू टू एवरी वन, ठीक है, सबने बहुत ध्यान रखा मेरा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर देयर। चलो फिर मैं आप सबसे मिलूंगी बहुत जल्दी, ठीक है, बाय।